ओके सो हाय गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू इंडिपेंडेंस डे फोटो एडिटिंग। तो गाइस ये जो एडिटिंग है बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तो गाइस आप लोगों को एकदम इजी स्टेप में आप एडिट कर लोगे। आप लोगों को पहले लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हार्ड एडिटिंग होगी, बट बहुत सिंपल स्टेप में मैंने इसको बनाया है। तो गाइस आप लोग बस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना एंड आपको जो है ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ आएगा, बस अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना एंड जो इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा उसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग इसलिए वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना, पहले वीडियो कंप्लीट वॉच करना फिर जाकर उसको डाउनलोड करना। ठीक है, एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चले गए आज किसने वीडियो बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइस आप सभी को फिर करना क्या, आप सभी को जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस मॉडल का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोज वगैरह जो है, मतलब आप आपको भी इसी टाइप से करना है, तभी आप जो इस हॉर्स के ऊपर जो अपने मॉडल को बैठा पाओगे। तो आपको जो आप यहाँ पर मॉडल को ऐड कर लोगे तो गाइस आपको क्या करना है, आपका जो मॉडल है वो आगे की तरफ मतलब कि इस तरीके से होना चाहिए कि मतलब आगे से ना आपने जो है मॉडल इसको हॉर्स को जो है पकड़ रखा है। ठीक है, तो आपको जो इस तरीके से रोटेट करके आपको मॉडल को आगे की तरफ रखना है। देन उसके बाद आपसे वो फिर क्या करना वो मैं बता देता हूँ। तो पहले हम इसको मॉडल को यहाँ पे अच्छे से फिट कर लेते हैं जहाँ पे हमें चाहिए मॉडल। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद आपसे वो फिर क्या करना है, फिर उसके बाद जो आपको इरेजर टूल में जाना है। ठीक है, इरेजर टूल में क्यों जाना है गाइस, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट्स हमें इरेज करने हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पहले इरेजर का हार्डनेस फुल कर लेते हैं फिर फोटो को जूम करेंगे। तो गाइस देखिए ये वाला जो पैर है हमारा जो सेकंड वाला जो हमें वो कि उस साइड को पहुँचाना है। ठीक है, हॉर्स के उस साइड में, तो उसके लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जो ये जो जितना भी एरिया आ रहा है पैर का, तो हमें इसे पूरा का पूरा इरेज करना पड़ेगा यहाँ से। तो हम इसको इरेज करते हैं फटाफट, फिर मैं बता दूँ आपको आगे क्या करना है। ओके गाइस, तो हमने इतना तो इरेज कर लिया। आप गाइस देखिए अभी आपको क्या करना है, आपको इरेजर टूल में दोबारा जाना है, फिर यहाँ पे आपको हार्डनेस को जो फुल कर लेना है। तो अभी जो यहाँ पे हैंड पे जो इन पाइप से पकड़ रखा था मॉडल ने, अभी हम इसको हमको इसके इरेज करना पड़ेगा। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद आपको जो मतलब यहाँ पे अभी जो है आपको वो भी लगाना है, मतलब फ्लैग का पीएनजी भी लगाना है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे लगाना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहना वीडियो को। तो अभी हमने इतना काम कर लिया है, अब क्या करेंगे इसमें हम जो है मॉडल को यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे बैठा दिया है। ठीक है, अब गाइस इसमें बारी आती है शेडो की। ठीक है, तो शेडो के लिए हम क्या करेंगे, ऐड फोटो में जाएंगे एंड से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन से जो है ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है इसको यहाँ पे हम इजीली ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐड कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फुल स्क्रीन करेंगे एंड उसके बाद जो इसको मूव डाउन कर देंगे, फिर इरेजर टूल में जाएंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश को लेने के बाद जो हम साइज इंक्रीज करेंगे, हार्डनेस कम कर देंगे थोड़ा सा एंड उसके बाद फोटो को जूम करेंगे एंड यहाँ से जो हम इसको जो है पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ पे हमें शेडो चाहिए सिर्फ वहीं वहीं पे पेंट करेंगे, उसके बाद अलावा और कहीं नहीं पेंट करेंगे। ठीक है, एंड गाइस शेडोज बनाने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जो है यहाँ से जाना है ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना है फ्लैग का पीएनजी एंड इसको ऐड कर लेने के बाद आप सभी को इसको ऐड कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। इसको पहले से रोटेट कर लेना है, रोटेट कर लेने के बाद आपको अपना हैंड देखना है कि आपका हैंड क्या तरफ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड जो दोनों हैंड की तरफ आ जाए जब, तो उसके बाद आपसे फिर करना है इसको मूव डाउन कर देना है, फिर इरेजर टूल में जाना है, इरेजर टूल में जाने के बाद आपको इरेजर लेना है, इरेजर का हार्डनेस फुल कर देना है एंड फोटो को जूम करके एंड यहाँ से जो बार टेक्स्ट है उसको इरेज कर देना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपसे को फिर करना है आपको अपनी फोटो को जो यहाँ पर डन कर देना है एंड आप जैसे ही फोटो यहाँ पे डन कर देते हो तो उसके बाद जो आप सभी को यहाँ से अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। उसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है। तो पिक्सआर्ट का जो काम था हमने कर लिया, अब इसको हम सेव करेंगे एंड इसको सेव करने के बाद जो हम यहाँ से लेकर चलेंगे उसको लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद पहले हम जाएंगे स्लाइड वाले ऑप्शन में, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसका जो शेडो है इसको पहले इंक्रीज करेंगे। शेडो को इंक्रीज करने के बाद जो हाईलाइट कॉन्ट्रास्ट जो है इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे एंड जो यहाँ पे हाईलाइट है इसको कम करेंगे एंड उसके बाद जो ब्लैक्स इसको कम कर देंगे एंड वाइट इसको इंक्रीज कर देंगे। फिर जाएंगे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद हम इसका वाइब्रेशन बढ़ा देंगे एंड जो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर उसके बाद जाएंगे हम कलर मिक्स में,